हेलो फ्रेंड्स, आज आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। या जिनके पास जीप कंपास है या जीप की जो भी गाड़ियाँ हैं, वो अपने बैटरी को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। ज़्यादा जो इशू है ना, वो बैटरी की देखी जाती है। मैं एक बार सर्विस कराने गया था तो कई लोगों ने बताया यार हमारी कार में ऐसी बैटरी की दिक्कत आ रही है। तो बैटरी की दिक्कत कार की नहीं है, बैटरी की दिक्कत जो है वो मैन्युफैक्चरिंग की नहीं है, बैटरी की दिक्कत खुद आप करते हैं, बैटरी की प्रॉब्लम खुद खड़ी करते हैं आप। तो आइए आपको बताते हैं कि वाकई में आप कैसे गाड़ी को स्टार्ट करें कि बैटरी का इशू नया आए या बैटरी आपकी होल्ड साइन नया आए। तो सबसे पहले क्या करना है ना, आपकी चाबी है, आप अपने पास चाबी रखें। उसके बाद पहले आप इग्निशन को ऑन करें, 10 सेकंड का समय लगता है, इग्निशन ऑन करें और उसके बाद जो है फाइनल स्टार्ट करें। कभी कभी लोग क्या करते हैं ना, क्योंकि ऑटोमेटिक में क्या होता है कि उन्होंने ब्रेक पे पैर रखा, ब्रेक पे पैर रखते ही उन्होंने इंजन स्टार्ट वाला बटन जो है वो दबा दिया, जिससे क्या होता है इंजन स्टार्ट हो जाता है। पर आपको ऐसा नहीं करना है।